आम आदमी पार्टी में टिकट के 10 लाख रुपए की मांग, संभावित उम्मीदवार ने नहीं दिए तो काट दी टिकट, ऑडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भ्रष्टाचार मिटाने के मुद्दे को भूलकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी आज समूचे देश में अपना विस्तार कर रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच पार्टी का एक ऐसा कारनामा उजागर हुआ जिसने सबको चौंका दिया है और अब आम आदमी पार्टी की किरकिरी हो रही है। दरअसल रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट में पार्टी को टिकट का बंटवारा करना था, जिसको लेकर रीवा जिले की शीर्ष नेता प्रमोद शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी करने वाले शिव मोहन शर्मा से पैसे की डिमांड कर दी। प्रमोद शर्मा ने उम्मीदवार से खुद के लिए चुनाव लड़ने का खर्च मांगा और कहा कि 10 लाख रुपए आप मुझे दीजिए और टिकट ले जाइए। इस बातचीत का एक ऑडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कहते हुए प्रमोद शर्मा सुने जा रहे हैं कि 10 लाख रुपए RTGS कर दीजिए, मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के घर में बैठा हूं और यहीं से टिकट फाइनल होगी। हालांकि अब ऑडियो वायरल होने के बाद प्रमोद शर्मा इसे याराना बातचीत कह रहे हैं। उनका कहना है कि मित्रता बस उन्होंने पैसे की बातचीत की है, ऐसा पार्टी गाइडलाइन में नहीं है कि टिकट के लिए पैसे की मांग की जाए। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अपना बचाव करते हुए प्रमोद शर्मा ने कहा कि वह मानहानि का केस भी दायर करेंगे। आपको बता दें, गुड़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने प्रखर प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि ये टिकट पहले शिवसेना शर्मा को मिलने वाली थी, परंतु 10 लाख रुपए नहीं देने की वजह से उनकी टिकट काट दी गई। हेलो, बधाई हो, बधाई हो, क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया, कहाँ है? मैं तो अब यहीं रुका हुआ हूँ, इनके यहाँ। इनके यहाँ पे? संदीप जी के यहाँ। संदीप? संदीप जी के यहाँ। संदीप कौन? संदीप पाठक जी। अरे क्यों मजे लेते रहते हो जबरदस्ती? मैं क्या, कैसे बात कर रहे हो तुम यार? कॉलिंग करो। अच्छा हाँ, तो क्या करूँ? वीडियो कॉल? वीडियो कॉल करो मतलब? पाठक जी से बात कर। नहीं, पाठक जी जो साइड में इनका गेस्ट रूम बना हुआ है ना, वो गेस्ट रूम में ही है। वो जो आया था लड़का ना, हाँ, तो उनके जो है उसके आज आज कल मुलाकात हुई। कल तो वो वहाँ पे थे ना, हरियाणा में। कौन? संदीप जी। हाँ, तो 2 बजे मिलेंगे ना आज, इसीलिए रुक गया था मैं ही। हाँ, 2 बजे मिलेंगे तुम्हारा, तो हो गया, वो कंफर्म कर दिए कल, वो सीधा नाम तुम्हारा आ गया। वो तो यार फोन आ गया था कि बोले आप तैयारी कीजिए, और मतलब तैयारी तो मेरी पूरी पहले से ही है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वही है, वही वही फाइनल है, फाइनल। हाँ, बाकी तो फिर अब वही है। आपका क्या चल रहा है? आपका क्या चल रहा है? नहीं, मैं तो मना ही करने आया हूँ ना कि मेरे को टिकट नहीं देना, मैं अपने यहाँ से वो ये दोनों में से किसी एक को फिट करके जाऊंगा। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ BK त्रिपाठी, राजा कुशवाहा। नहीं, आप लड़िए, आपको सपोर्ट रहेगा सभी लोगों का, ऐसा थोड़ी ना। अरे सपोर्ट क्या रहेगा, तुम पहले एक बार काम करो, अभी सुबह 10 बजे के पहले जो है, 10 बजे मैं अपना अकाउंट नंबर दे, RTGS करो, एक 10 लाख रुपए। चूतिया समझ रखे हो क्या? चूतिया समझ रखे हो कि हम लोग को, भाई तुमको इसलिए चुनाव लड़ाना है मेरे को, कि तुमको नेता बनाना है। मेरे को नेता नहीं बनना है। आप नेता बनाते हो? नहीं, नेता हम बन चुके हैं। 18 अच्छा? में चुनाव लड़ा, 5 साल हमने तेरे ही की है वहां पर। हम लोग भी नेता है रीवा जिले के। अच्छा, नहीं सही बात। अब ये बताओ मेरे को कि मैं अपना 10-50 लाख रुपए खर्च करके वो 2-4-5 हजार वोट के लिए लड़ूं। हाँ, बात तो सही है आपकी। तो वो अभी काम आप लोगों को दे दिया है, जिताऊ कैंडिडेट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुड़ एक ऐसी सीट है जहाँ से अपना निकल सकता है। नहीं, वो मैं वास्तविकता से परिचित मैं हूँ, जानता हूँ मैं निकल सकता है, लेकिन उसके लिए सुनो ना सुभान मोहन भाई, अपन सबसे मजबूत सीट से मरिया है। हाँ, ये भी बात सही है। सबसे मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं है, लेकिन अपने को चुनाव वहाँ जीतने के लिए कम से कम 2 करोड़ से खेलना है मुझे सिमरिया में ना, सिमरिया में। तब जाके 2 करोड़ अगर मैं खर्च करके लड़ूंगा चुनाव, तब जाके मैं जो है इलेक्शन जीत जाऊंगा। हाँ, निकल सकता है भी निकल है, लेकिन ये 2 करोड़ रुपए कहाँ से लगाए आदमी। हाँ, ये बात भी सही है। और अगर 10-25-50 लाख से लड़ोगे चुनाव, तो वहाँ 2-4-5 हजार में सिमट के रह जाओगे, क्योंकि वहाँ 10-10 करोड़ रुपए वाले लोग हैं।
हाँ भैया केपी है, अभय मिश्रा है। जब जब आप चलोगे ना, सुनो, जब चलोगे तो आपके बाजू में जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, हाँ सबसे पहला वार ये होगा कि इसके भांजे को जो है, इसको जो है 10 लाख रुपए दे दो। अच्छा तो अचानक भांजे का फिर आएगा फोन ये कि हाँ मामा आज तबीयत बहुत खराब हो गया है। अरे नहीं, अपने साथ तो ऐसे लोग हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूं बात समझो, हाँ 10 लाख में नहीं होगा तो जान जाएगा। अगर देखो कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए तुम्हारा भांजा, ये पहले जानते हैं लोग, हाँ फिर 10 लाख नहीं मानेगा तो उसको 50 लाख भेजेंगे। अगर हाँ तुम इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तुम चुनाव हराने जिताने के लिए चल रहे हो, हाँ तो इनके लिए 1 आध करोड़ रुपए दे के किसी मजबूत खंबे को उठा के बंद करवा देना। ये नहीं, मेरा पिछला चुनाव अनुभव है, ये अच्छा मेरे साथ के 14 लोग जो हैं 2 लाख से लेके मतलब आपको जो है गाड़ी घोड़ा सब पाए हैं और फिर गायब हो गए हैं वो लोग। मेरी जो है 7 गाड़ियां चलती थी, अंतिम में मैं जो है 2 गाड़ी में आ गया था। अच्छा हाँ, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने वो जो लोग हैं उनको अपने साथ में रखना है। मैं क्या करता था गलती, उनको घर भेज देता था। नहीं, वो अपने परछाई के जैसे रहते हैं वो सब। अरे मेरे परछाई गायब हुई भाई, अच्छा कोई मैं तुमको क्या राजनीत है? बात नहीं, मैं बोलता हूं कोई आदमी 10 लाख से जाएगा, कोई आदमी 50 लाख से जाएगा, कोई आदमी नहीं जाएगा तो कोई बहुत मजबूत आदमी तो 1 करोड़ से जाएगा। जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हमारे आदमी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, तो कोई नहीं जाएगा। और मेरा परिवार काफी बड़ा है। हाँ अरे भाई बड़ा ये, सुनो आज हमारी बात हो रही है, तारीख एक लिख लेना, ये तारीख लिख लेना। शिवमोहन जी जो बात बता रहा हूँ ये, इसलिए मैं जानता हूँ कि आपके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हाँ होता है ये बता रहा हूं मैं। यही तो बात है भैया। और आप यही ये अब या इसमें हमने अभी मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों के लिए, ये आज की नहीं, बहुत पहले से उनको इतना किया है ना, वो अपने अगेंस्ट में कभी जीवन में जा ही नहीं सकते। अभी पार्टी, अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी आपको ये बोले, आपको ये बोले कि काम कीजिए 10 करोड़ रुपए ले लीजिए ये, हाँ और आप इलेक्शन मत लड़िए। नहीं करना ही नहीं, ये करने के लिए नहीं थोड़ी ना आए अपन। नहीं मैं बात सुनो तो, हाँ आप मेरे को आपसे यही उम्मीद है, आपका भाई है ना, पैसे से कमजोर नहीं है ना। मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैंने जब आपका मैं वो रिकमेंड आदमी कर हूँ, दिया। सुनो मैं आपको एक चीज, मैं वो आदमी हूँ जो मैंने एक दिन में है ना 1.25 करोड़ रुपए खर्चा किया था, ठीक इसीलिए है बोला जैसे जैसे भाई का जैसे अभी नाम रिकमेंड हो रहा है तो ना। आरटीजीएस 10 लाख मार देना है। हाँ अरे यार तो हंसने लगे, भी बड़ा आदमी कैसे तो नहीं समझेगा आदमी यार, गड़बड़ कर यार, रहे। चुनाव मुझे लड़ना है तो फिर यार शिवमोहन नहीं पर अभी आप तुमको बोल रहे थे ना कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं ऐसा जब तुम बोलोगे कि भैया 10 लाख मैं दे रहा हूं तो फिर चुनाव लड़ने का सोचेगा आदमी? अरे अरे भाई ये जैसा बोल ऐसे, हाँ तो बोल दो कम से कम, मत करना यार, तो यहीं पर अरे आपके लिए, कमजोरी सुनो आपके लिए दिखा प्रखर, आपके लिए प्रखर वो है ना, वो आपका एक बैंक बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। रही। नहीं, प्रखर को प्रखर नहीं करेगा, करे अगर तुमको ऐसा लग रहा है प्रखर करेगा तो प्रखर तो प्रखरा को सीट आ जाए क्या? ये बताओ, अच्छा अभी बोल दो, अभी बोल दो। किस्मत देखो वो तो सब ये किस्मत की बात है भैया। नहीं, बोलने की देर है। सही मैं बात बोलता हूँ एक बार बोल दूं कि नहीं है, बेकार है शिवमोहन, मत करो शिवमोहन को, है। हाँ। जो कमजोर पड़ रहा है। कल जबकि मैंने ये बोला मैंने कि ऐसा नहीं, वो बच्चा है ऐसा वैसा है बोल के, शिवमोहन अच्छा ही है तो बस इतना ही बोलना है कि शिवमोहन नहीं कर पाएगा वहां पर, लग रहा है। शिवमोहन तो बहुत कुछ कर सकता है, शिवमोहन अरे तो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल दूं ऐसा क्या? तो बोल रहे प्रखर आपका है, मैं आपके लिए बैटिंग कर रहा हूँ, आप प्रखर बताते हो, अरे भैया मन में इतना काला और क्यों है इस यार साइड खड़ी तुम्हारे? कर दो, शिवमोहन यार, इस साइड खड़ी कर दो, शिवमोहन ये बाजू में खड़ी कर दो इसके। हाँ भैया, अरे अभी लिखा नहीं है सीट में नाम, ठीक है भैया, किस्मत नहीं होगी मिलेगा तो, तुम्हें नहीं तो मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा मत बोलो यार, कम से कम विश्वास में तो रखो। विश्वास, देखो यार भैया मैं एक चीज जानता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये मान गया तुम कि तुम ये सोच रहे हो मैं प्रखर के लिए बैटिंग कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, और हुई है जो राम तुमने रचेगा, मेरे किस्मत में राज तिलक लिखा होगा तो उसको कोई नहीं टाल सकता। मैंने तुमसे बोला कि तुम पैसे मेरे को ट्रांसफर, तुमने बोला कि प्रखर प्रखर करेगा आपका, हाँ प्रखर आपका करेगा, प्रखर मेरा क्यों करेगा जब उसको टिकट नहीं दिला रहा हूँ और सब भरी सभा में अच्छा, बोलूंगा ये बताओ आप अभी हो किधर, किधर हो आप? मैं तो यार बैठा हूँ दिल्ली में, बैठा हूँ उनके घर पे, उनके उनके साउथ पे। लोकेशन भेजा चलो बस, हम लोकेशन भेजा। ठीक है, कौन कौन है ये?
अरे है हमारे पीए साहब है। तो ये जो चूतिया ये क्या पिए? नहीं, आप नहीं जानते नहीं उनको, बहुत ऊंची चीज है, रिवो में कोई हाथ नहीं ला सकता। मैं तो सबको जानता हूँ, जितने लोग हाथ नहीं ला रहे हैं सबको जानता हूँ मैं। संजय त्रिपाठी से लेकर राजेंद्र शुक्ला से लेकर गिरीश गौतम से लेकर इन्हीं को ऊपर मानता हूँ मैं। बाकी तो बहुत सारे लोग, नाम बता दो तो हम समझ जाए हमारा भाई कौन है। अरे अब छोड़िए, जाने दीजिए, अब आप जब कभी होगा तो मिलाऊंगा, अभी आप हल्के में ना ले। नहीं, हल्के में तभी ले लिया जब उन्हें बोल दिया लोकेशन भेजिए, प्रमोद शर्मा को लोकेशन बोलने वाला आदमी, मैं समझ गया कि वो आदमी हल्का ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यार लोकेशन भेज देता हूँ तुमको मैं तुरंत अभी। कल क्यों, कल तुमको लाइव हुआ था यार, मैं आप तो है ना दिल पे ले लेते हो बहुत जल्दी। दिल पे इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम जो है बेवकूफों को साथ में नहीं रखते, हम सच्चाई से चलते हैं, डंके की चोट पे बात बोलते हैं अपनी। और ये बात हम बता रहे हैं तुमको कि हमने शिवमोहन कल जो है तुम्हारे लिए बैटिंग की है यहाँ पर, जब नाम आया तीन चार मैंने बोला उसका नाम जब बोले बोला बच्चा है वो साहब, ऐसा नहीं है हाँ ठीक है, शिवमोहन का है, तो उन्होंने बोल दिया भी आपके भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, एक भाई दूसरे भाई का साथ देता है तभी तो फिर। लेकिन और आज हो कल हो, शिवमोहन को तो आप जानते हो बाय नेचर कैसा है। शिवमोहन को जान गया हूं, पर ये भी जानना पड़ेगा कि तुम ये क्यों बोल दिया, तुम ये प्रखर की प्रखर को करेगा अरे सब पूरे मार्केट में लोग हैं ना आपको वो करते, तो मैंने उनको बोला है। तो फिर अब शिवमोहन भैया एक बात, अब सुनो मेरी बात, अब अगर आपकी टिकट अगर आएगी तो जी दम से आएगी, हाँ बिल्कुल सही है। अब जो है प्रखर की अगर आ गई तो ये समझ लेना प्रमोद भैया ने करवा दिया ये। अब ये बात, अब देखो टिकट में किसका नाम आता है, आएगा तो देखो, अब टिकट टिकट होने के बाद आपसे बात करेंगे हम, बाकी देखो ठीक जो ठीक होगा अच्छा होगा। चलो हमारी संवेदना आपके साथ, अगले 5 वर्ष के बाद जो है मौका फिर मिलेगा आपको, देखो ठीक ठीक और अब अपन अपने टॉपिक में आते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि जो ये वीडियो जो वायरल सॉरी ऑडियो जो वायरल हुई है और ये सत्य है, और जैसा कि वीडियो ऑडियो में आपने सुना होगा कि प्रमोद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आपने पूरा सभी लोगों ने सुना होगा लास्ट का जो स्टेंजा था, ठीक है ना, और राजनीति में कभी मजाक नहीं होता है, ये सीरियस वे में बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि ठीक है देखते हैं कि अगर आपकी मेहनत होगी तो आपको टिकट मिलेगा, और अन्यथा अगर प्रखर की आ गई तो आप ये मान के चले कि ये प्रमोद शर्मा ने टिकट दिलाया है, और ये पूरा सत्य है। सूर्य को सूर्य ना कहते हुए चांद कहना ये गलत है, सत्य को असत्य ये बताया जा रहा है कि ये हंसी मजाक में बात हुई, जो कि ये बिल्कुल गलत है, राजनीति में हंसी मजाक नहीं होता, ये सीरियस वे में बात हुई है। और इसकी जो शिकायत थी, ये शिकायत मैंने अपने उच्च स्तरीय जो अधिकारी लोग हैं उनको मैंने ये ऑडियो भेजा था, मैंने इसको वायरल मतलब अपने अधिकारियों को भेजा था कि इस पर संज्ञान लें, और पार्टी की तरफ से मतलब किसी प्रकार का कोई भी है ना रिएक्शन नहीं आया, और उन्हीं में से कहीं ये वायरल हुआ। कब की ये बात है, कब बात हुई थी आप लोगों दोनों के बीच? ये दो दो दिन पहले की, दो तीन दिन पहले, मतलब जब वो टिकट हुआ टिकट आया था उसके शायद 2 दिन पहले की बात है, और इन्होंने मेरे से कई बार पैसे मांगे हैं, उसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो चल रहा था कार्यक्रम, पर मुझे ये ऐसा था कि ये लग रहा था कि नहीं पार्टी अपनी ईमानदार है, और जो ईमानदार का जो मेरे ऊपर चश्मा लगा था और मैं उसके लिए वेट कर रहा था कि नहीं यार ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए मैं ना वेट एंड वॉच के स्थिति में था, और जब टिकट फाइनल हुआ तब मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, और टिकट का जो ये कार्यक्रम जो चला है, और ग्राउंड लेवल पे मैं मेहनत भी कर रहा था। कितने की डिमांड कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे? आपने सुना होगा कि 10 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड करी थी, बोले आप मुझे तुरंत RTGS कीजिए अन्यथा आपकी टिकट कट जाएगी। किसने कहा था ये? प्रमोद शर्मा जी ने कहा था ऑडियो में, आप सभी लोग इस चीज़ के लिए मांग रहे थे 10 लाख? यही है कि आप तुरंत मुझे भेजिए और आपको आपका टिकट हो जाएगा। आप उस वीडियो को शायद आपने सुना होगा सभी लोगों ने, उसमें मतलब स्पष्ट रूप से जो वार्तालाप हो रहा है वो यही हो रहा है, और लास्ट के जो स्टेंजा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपको आपकी मेहनत पे टिकट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलेगी तो ये मान के चलना कि टिकट प्रखर प्रताप की मैंने करवाई है और आपका पत्ता कट हो गया। उन्होंने आप पर मानहानि का दावा करने की बात की। सर मानहानि, देखिए
जो सत्य है ये कहीं भी आप ये लेके चले जाइए। इसमें मैं कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सुनेगा तो ये कहेगा कि शिव मोहन शर्मा झूठ बोल रहा है, ठीक है। और ये जो सत्य है इसलिए मैंने सत्य को उजागर किया जिससे पार्टी में ऐसे दलाल जो हैं, जो मेरे जैसे जो कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्यों मानते हैं उनके पास टिकट कटा आपका? बिल्कुल, मतलब टिकट मिला नहीं, मिली नहीं आपको? मैं मेहनत कर रहा था ग्राउंड लेवल पे और सभी जगह से मेरा यही था कि आपका ही है, कहीं ना कहीं टिकट कटवाने में उनका हाथ है। बिल्कुल, आप ये सोचिए ना कहीं उनका बिल्कुल हाथ है। और ठीक है पार्टी ने जो ये डिसीजन लिया है और कहीं ना कहीं तो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से इस ऑडियो के माध्यम से आप समझ गए हैं और प्रूफ है ये कोई गलत नहीं है। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप क्या है, ठीक है अब हम बैठे हैं और ठीक है मेरी शुभकामनाएं है कि प्रखर प्रताप को तो बढ़िया अच्छे से चुनाव लड़े, पर मैं ये चाहूँगा कि पार्टी ने इस तरह से जो मैंने ऊपर शीर्ष के लोगों को जो भेजा था उस पर इन्होंने कोई एक्शन ना कोई फ़ोन करते हुए मतलब कार्यकर्ता पे ध्यान नहीं दिया और मैं ये चाहूँगा कि उनको इन पर रिएक्शन लेना चाहिए और ना ही उन्होंने किसी ने मेरे से मुझसे बात करी। मेरे पास है ना व्हाट्सएप पे कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल अगर चाहते तो नॉर्मल कॉल आ सकता था, ठीक है ना, व्हाट्सएप कॉल पे रिकॉर्डिंग होती नहीं है, अगर मुझे कॉल करते तो नॉर्मल अपने कॉलिंग पे होता तो और भी सारी चीज़ें साझा हो सकती थी। आप कब से जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से? मामला ये है कि उन्होंने जो है मुझे बधाई दी, सिमरिया से आप चुनाव की टिकट कंफर्म हो गई है, बधाई हो आपको। तो मैंने जो है उस पर उनको बोला कि मैं जो सिमरिया में चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, मेरे पास दो लोग वहाँ से अलग से हैं उनको होगा, और यदि आप चाहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना, कि करोड़ों का चुनाव वहाँ होता है, तो आप एक काम कीजिए कि वहाँ पर जो है मजाक में बातें हमारी चल रही हैं और उस मजाक में हमने बात बोली कि उसमें जो है अगर आप चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप 10 लाख रुपये RTGS कर दीजिए मुझे ताकि मैं चुनाव वहाँ लड़ सकूँ। ये बातें मजाक में चल रही हैं और ये जो उन्होंने किया है, तो अगर ये बात जो है आज से कई दिन पहले की बात है जब वो मुझे बधाई दे रहे थे, जब तक टिकट कन्फर्म नहीं, अगर ऐसी कोई बात हो रही पहले क्यों नहीं बोला? और बोला तो वो भी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, उन्होंने ऑडियो भेज के ये बात करेंगे, उसके बाद जो है मुझे भेज के ऑडियो, और इसमें आप सुन सकते हैं, मैं आपको सुना भी देता हूँ ऑडियो। हम लोग यहीं रुका हुआ ही नहीं क्या? ऑडियो का सुन लिया है तो इसमें क्या बोल रहा है शुरू से सुनिए कि बधाई हो बधाई, मतलब मेरे को टिकट मिल गई इस बात की बधाई हो दे रहे हैं और सिमरिया से आप चुनाव लड़िए। तो मैंने उनको बोला चुनाव लड़ने का मुझे नहीं, दूसरा कोई लड़ेगा। इस बात को ऑडियो उन्होंने, इसको ऑडियो जो है ये कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई उदाहरण हुए, जैसे देवतलाव से हमारे यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ज्वाइन किया था, उनको टिकट नहीं मिला, क्या वो कम पैसे वाले थे? यदि पैसे कन्वर्ट कर लेते, यहाँ पर राजकुमार रुमलिया जी पूर्व विधायक ने ज्वाइन किया, उनको टिकट तो नहीं मिली, हमारे जो संघर्ष कर रहे हैं उनको मिली। रही बात जहाँ प्रखर प्रताप सिंह की, प्रखर प्रताप सिंह पैरामीटर के हिसाब से वो जो है 10 में से 9 पैरामीटर हैं, 7-8 बार उन्होंने मध्य प्रदेश में गारंटी में जो है टॉप किया उन्होंने, उसके बाद पूरे गुड़ में घूमिए, जब से ज्वाइन किया उन्होंने लगातार कोई दीवालें ऐसी नहीं होंगी जिस दीवाल के अंदर में उनका वॉल पेंटिंग ना हो, वो ऐसा कोई जगह ना हो जहाँ पर लगातार वह कर रहे। अब ये इन्हों का काम क्या है, उन्होंने जो ऑडियो किया है इसको कोई भी आदमी किसी भी जगह में सुन सकता है कि वो मुझे बधाई दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम पाठक जी के यहाँ बैठे हैं, मैं अभी तुम्हारी टिकट कटवा देता हूँ, अभी कैंसिल करवा देता हूँ, मना कर देता हूं। ये तो कई बार और भी कई बार मजाक चलती रहती है, क्योंकि बार बार जब लोग फ़ोन करते हैं यहाँ पर किसी की कोई संपर्क नहीं है। अभी तक आप पूछ लें किसी के पास अगर संदीप जी का किसी का नंबर हो या उनके घर का एड्रेस किसी के पास हो तो मुझे बता दें, मुझे तो नहीं मालूम था, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और ये मजाक में उनसे बातें चल रही थी, क्योंकि बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, वो सोच रहे थे बस मैं दिल्ली में हूँ, मेरे साथ में जो लोग बैठे यहीं इंदिरा नगर बैठा हुआ था मैं, तब ये बातें हो रही थी। और एक जो है निहायत थी पार्टी को बदनाम करने ऐसे लोग जो है, जो कि आज से 6 महीने पहले आए थे, टिकट ना मिलने, उनको चुनाव लड़ना था, सिर्फ चुनाव लड़ना है, वरना मेरे ऐसे आदमी जैसे मैं हूँ मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, सिमरिया से चुनाव न लड़ूँ या मुझे पार्टी चुनाव टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन उसको बताया हुआ था। ऐसे लोग जो हैं सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और इस ऑडियो में जो लोग हैं वो स्पष्ट सुन सकते हैं कि इसमें जो है बातें इस प्रकार की कोई लेन देन की बातें नहीं है। ये बात तब हुई है जब उन्होंने मुझे बधाई दी है, तो मैंने बोला तब मैं चुनाव लड़ूंगा जब आप लोग सहयोग करेंगे जानबूझ के, क्योंकि मजाक में और किसी से बातें नहीं होती, मजाक में आपस में ऐसी बातें हमारे साथ होती थी, और वो अब इस चीज़ को मुझे भेज के और ब्लैकमेल करने की कोशिश की उन्होंने कि ये है नहीं तो मैं ऑडियो वायरल करूंगा, मेरी टिकट पलटनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला वो ऑडियो क्यों वायरल नहीं कर रहे हैं, जिसमें मैंने बोला तुम कितना, अगर तुम समझ रहे हो पैसे टिकट मिलती है तो तुम करोड़ों रुपये दे के आओ और टिकट लेके दिखाए कोई आदमी नहीं बोला।
कौन सा दूसरा वाला? मेरे में रिकॉर्ड नहीं होता, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। आपने ऑडियो में बोला है कि 2018 विधानसभा चुनाव में आपने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इसका कोई चुनाव आयोग? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला है पूरी तरह से। नहीं नहीं, ऑडियो में आप अभी जी सुनिए मेरे को, ऑडियो को मैं फिर सुना देता हूँ आपको, ऑडियो सुना दूं मैं। हमने 2018 में खर्च ये नहीं बोला मैंने, ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने ये बोला है, सुनिए मेरी बात। वहाँ पर जो है 2 करोड़ रुपए मेरे पास अगर आज होंगे तो मैं वहाँ चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसे खर्च करने वाले 18 की बात नहीं मैंने की है। 18 जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं बोला जो मैंने खर्चा किया बताया था मैंने, उस 18 के चुनाव में मेरे साथ में क्या हुआ, जो मैं कम 10-15 लाख से जब चुनाव लड़ा तो बता रहा हूँ आपको, ऑडियो सुन लीजिएगा, उसमें मैंने खड़ा तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ वाले लोगों को जो लोग वहाँ पर धन वाला लोग हैं, मालूम चला ड्राइवर को बोल दिए कि आज नहीं आना, 2 लाख रुपए तुम लेके बैठ जाओ, ये मैंने उनको बताया कि वास्तविकता ऐसे चलती है और इसके लिए जो है अपने को टिकट अगर आपको मिलती है तो आप इसके लिए मजबूत रहेंगे। अगर मानहानि का दावा होगा इनके खिलाफ, पार्टी मानहानि का दावा करेगी और ये बताएगी, और ऑडियो को एक एक चीज़ को जो बातें हुई हैं उस पर है, और मैं स्वयं जो है इस बात पर संज्ञान लिया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, अच्छा हुआ आप लोग मेरी बाइट मेरा ये ले रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस पार्टी के अंदर में कोई भी आदमी आकर पैसा देकर टिकट नहीं ले सकता, इसका बहुत उदाहरण है, अभी भी कोई काम अगर उनको हो टिकट अभी वो कर कोई चेंज करा के देखे, वहां तो मनगांव में हमने टिकट पहले बढ़ गई थी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं टिकट के लिए बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर इसमें अब जिन लोगों को नहीं मिल रही है वो जबरन का ऐसा आरोप लगाएंगे, और जिसके ऑडियो में अच्छा हुआ कि ऑडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें से क्या बातें हो रही हैं। मेरे सिमरिया विधानसभा को चुनाव को लड़ने के लिए जब उन्होंने बोला तो मैंने उनको ये बात बोली है कि आप सब सहयोग करेंगे तो करिए, तो मैं अभी लड़ूंगा तो क्यों लड़ूंगा मैं चुनाव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।